ये गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप चल रही है, देखो कोई नहीं बैठा हुआ सीट पे। ये देखो मोड़ भी सकता हूँ इसको गाड़ी को, यहाँ को आराम से मुड़ जाएगी। सो गाइज ये है अपनी कुछ गाड़ी की लुक, ये चेक करो। वाओ यार क्या इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जल्दी निकलती है। देखो 1 2 3 ओ माय गॉड, ओ बॉयज आए रेस लगा ले, रेस लगा ले। हमने गाड़ी खींच ली है ओ माय गॉड। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली आज हमें अपनी मर्सिडीज बेंज पे, और आज हम जा रहे हैं आपके लिए डिटेल वीडियो बनाने। नीचे दो वीडियोस के लिए बहुत डिमांड थी कि मर्सिडीज, एक इसका फोन आ गया, और थैंक यू सो मच यार सबका इतना प्यार देने के लिए, और यार डिलीवरी वाली वीडियो पे भी इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सही सही कमेंट्स आए, सीरियसली कह रहा हूँ दिल खुश हो गया यार, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए। हम अपनी डिलीवरी देख रहे हैं, हम मर्सिडीज ले रहे हैं, तो बहुत सही सही कमेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी डिलीवरी वीडियो के बाद, तब मैं एक्चुअली ये Z1000 अपनी चल रही है, इसका शॉकर लीक था वो करवाने गया था। मैंने बोला था कि रंधावा साहब को मर्सिडीज चलाने दी जाए कि ना, तो नीचे कमेंट्स बहुत आए थे कि मर्सिडीज एक बार ही रंधावा साहब को दीजिए, वो भी चला पाते कि नहीं यार। एक्चुअली क्या है कि ये नॉर्मल गाड़ी तो चला लेता, बट इसने कभी भी लाइफ में लग्जरी गाड़ी नहीं चलाई। इसको भी हम देंगे ऑटोमेटिक, और ईजी होती है गाड़ी, ये नहीं कि मुश्किल होती है। थोड़ा सा ना स्टेयरिंग नीचे कर लेते हैं कि आपको नज़र बढ़िया से आएगा, बट एक बार ही बस गियर के लिए समझना पड़ता है, क्योंकि बंदा ना बार बार क्लच पकड़ता है। तो मेरे मुझे देख के आ रहा है, मैंने इसको बोला साथ ही चलियो, तो पीछे देख रहा था, मैंने कहा भगाइए वो गियो मत, मेरे साथ ही रहियो, तब करके लेफ्ट हो गया बिल्कुल। मैं एक्चुअली थोड़ी धीरे चला रहा हूँ गाड़ी, स्लो आ रहा है। आ जा चलो भाई, हमने गाड़ी खींच ली है Oh my God. जो बाइक्स होती है उनमें पावर ज़्यादा होती है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ क्या हुआ था कि बुगाटी की रेस लगी थी S2 के साथ में कावासाकी, तो S2 ने पीछे कर दिया था बुगाटी को। क्या होता है रीज़न कि बाइक्स में ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि टू व्हील्स होते हैं हल्की होती है, तो इसलिए गाड़ी ना नीचे ना लग जाए बस। एक ना ये जो सेडान कार्स होती है इनमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी नीचे लग जाती है। मैं बहुत स्लो उतार रहा हूँ नीचे कि गाड़ी लग ना जाए। बाकी अपनी जो ब्रीज़ है वो भी काफ़ी ऊँची है, तो उनमें भी ये दिक्कत नहीं आती। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा ये S हो गया, ये देखो ये स्पोर्ट्स मोड लग गया। अब गाड़ी देखना कितनी जल्दी निकलती है, देखो 1 2 3 ओ माय गॉड, ओ बॉय सीरियसली स्पोर्ट्स मोड में पागल हो जाती है। और यार CLA लेने का कारण पता है क्या है, आपके भाई ने इसको CLA 45 बनानी है, CLA 45 बनानी है इसको, इसलिए ली है CLA। तो प्रॉपर इसमें AMG किट वगैरह भी लगेगी, और हम इसको ट्रैक पे भी लेके चलेंगे स्पोर्ट्स मोड पे, और यार एवरेज भी इसकी बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैं इको पे चलाता हूँ इसको। आज आपको बताने जा रहे हैं मर्सिडीज की फुल डिटेल जो कि हमने अभी अभी ली है। आओ बाहर निकलते हैं और आपको गाड़ी की दिखाते हैं लुक, देन आपको गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नहीं। हमने चाबी ऑफ कर दी है, ये देखो आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है, ये मर्सिडीज़ की चाबी आती है। और जो हमारा पीछे बूट दिया हुआ है, बूट का भी यहाँ से ऑप्शन दिया होता है, इसको बटन क्लिक करेंगे आगे रखेंगे बूट अपने आप ओपन हो जाता है। आ जाओ एक बार बूट दिखा दो गाइस, आपने बूट देख ली काफ़ी बड़ा दिया, और इसके अंदर स्पेयर टायर दिया होता है जिसको डोनट टायर्स कहते हैं, वो अभी घर पर है। ये एक बार ये खोल के दिखा देता हूँ कि टायर पीछे हिले ना, और इसको हम ओपन कर देते हैं तो ये खुल जाता है। ये देखो पीछे भी नीचे भी कितना बड़ा स्पेस दिया हुआ है पूरा, देखो एक बार अंदर जाके दिखा दो। बूट काफ़ी बड़ा है मर्सिडीज़ के हिसाब से, ये तो काफ़ी कार्स होती स्पोर्ट्स कार में नहीं होता। और इधर आ जाओ, और इसके पीछे वाले भी डोर्स हैं, ये भी फ्रेमलेस डोर्स हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हो कोई इधर फ्रेम नहीं दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा अंदर से। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ बैठने में कितनी कम्फर्टेबल है, यहाँ से सीट्स कंट्रोल यहाँ पे, इधर आके दिखा दो, ये सीट कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इनको पीछे करो, सीट दिखाओ मेरी, ये तो कोई सीट पीछे हो रही है, इधर से करूँगा आगे होगी, ये देखना सीट्स आगे होती हैं, और इसको मैं पीछे करूँगा तो ये सीट्स भी पीछे हो जाती है।
तो जो ये सारे कंट्रोल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं भाई, यहाँ दिखाओ एक बार यार। मेमोरी के लिए इसको आप वन पे क्लिक करोगे तो जैसे तुम्हारे फादर चलाते हैं, सिस्टर चलाती है, कोई भी चलाता है, तो वन पे करोगे तो आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। सेकंड पे अपने मॉम डैड सेट कर लें, थर्ड पे आपकी सिस्टर कर ले। तो ये मेमोरी के लिए है कि तुम्हें बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती इसके साथ। सो गाइस गाड़ी देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ये देखो, ये मैं पीछे से दिखा देता हूँ आपको, सनरूफ अपना खुला हुआ है। ये पीछे से इसके जो एग्जॉस्ट हैं ये दिए हुए हैं, जो कि इसके रियल एग्जॉस्ट हैं, ये फेक नहीं है कि ऐसे शो के लिए नहीं लगे हुए, दोनों रियल हैं ये एग्जॉस्ट। पूरी स्पोर्टी लुक दी हुई है, जो CLA 45 है उसको लोग इसके बम्पर चेंज करवा के वैसे ही बना देते हैं, कुछ नहीं पीछे AMG लिखा होगा और CLA 45 लिखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी गाड़ी है वो भी। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है, दो बम्पर चेंज है और उसका AMG इंजन है, तो मतलब वो स्पोर्ट्स कार बनाई गई है। सो गाइज ये है अपनी कुछ गाड़ी की लुक, ये चेक करो, वाह यार क्या लग रही है। और वो खड़ी अपने पीछे Z1000, फ्रेमलेस डोर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं फ्रेमलेस डोर्स, और अंदर से इंटीरियर कुछ ऐसा है, दिख रहा होगा भाई कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल बीज इंटीरियर दिया हुआ है इन्होंने। ये चेक करो पीछे भी काफ़ी स्पेस है, और ये सनरूफ देख रहे हो ऊपर AK-47, वो डोर्स देखो पीछे LED लैंप्स दिए हुए हैं, और फ्रंट से भी कुछ ऐसी है, ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मर्सिडीज बेंज के स्टॉक में आते हैं ये मैट्स, और पीछे भी बता देता हूँ क्या क्या है। पीछे मैं एक बारी बैठ जाता हूँ, ये पीछे ये दिया हुआ है हमें 12 वोल्ट का चार्जर के लिए, को दिखा देता हूँ खोल के, और लाइटर है ये, यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी हुई है, और यहाँ पे भी हमें जैसे मैंने डिलीवरी वीडियो में दिखाया था ये 2 कप होल्डर के लिए, तुम आराम से नीचे कॉफ़ी कूफ़ी पी सकते हो या पेप्सी वगैरह रखने के लिए, और आर्म रेस्ट के लिए बहुत सही है ये, दो जाने बैठे तो। और पीछे मैं आराम से बैठ जाता हूँ, यहाँ एक लाइट दी हुई है, देखो कितना बड़ा सनरूफ है इसके अंदर, और आगे से भी मैं ओपन भी करके दूंगा, और स्पोर्टी लुक दी हुई है, यहाँ पे लाइट्स चलती है, ये पीछे से नजर आती गाड़ी ऐसी। अब बंद करते हैं, रंधावा साहब को पकड़ाते हैं और आपको छोटे मोटे फीचर बताते हैं। यहाँ पे LED लैंप्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स दिए हुए हैं, ये स्पीकर दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया आवाज़ है इनकी, मैं अभी आपको वो भी सुनाऊंगा। एक मर्सिडीज बेंज का लोगो दिया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और डायमंड कट इसके अलॉय व्हील्स है जो कि स्टॉक आते हैं लगवाए नहीं गए, फुट खोलने के लिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो गाइस ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है मर्सिडीज का, और ये यहाँ पे टाइमिंग आ रही है, इसको आप क्लिक करोगे सामने देखना ये आ जाएगा ऑप्शन, मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ये गियर नहीं है, मैं उससे मजाक कर रहा था। यहाँ पे आपको सारे सिस्टम मिल जाते हैं, व्हीकल सेटिंग, व्हीकल सेटिंग में जाके आप इसकी लाइट्स एडजस्ट कर सकते हो, एम्बियंस लाइट को चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी लाइट्स है इसके अंदर, ये देखो ये सारा इसके अंदर इनबिल्ड ही है ये, यहाँ पे ये देखो ये लाइट्स चल गई, और ये मिरर्स के भी नीचे लाइट्स आ रही हैं, देख रहे होगे आप, सेट कर सकते हैं, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, कि लोग छेड़छाड़ इतनी नहीं करते, मैंने वैसे स्टार्टिंग में आके बहुत छेड़छाड़ करी थी इसके साथ लाइट्स वगैरह के साथ। और यहाँ पे ऑप्शन दिया, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ ये आ जाता है मीडिया, देन आप ब्लूटूथ से फोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको ना मैं सनरूफ दिखा, लो भाई पकड़ो सनरूफ दिखाओ जरा, ये है बड़ा इसका बहुत बड़ा सनरूफ है, आराम से बंदा निकल सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्न है, ये देख रहे हो आप लाइटिंग चल रही है इसमें से, ये रात को इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, ये इसके मिरर्स में भी लगी हुई, अभी दिन है तो ये नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। बेल्ट ये तो भाई बेल्ट के लिए लगाया हुआ है कि इरिटेट ना करे, बहुत अच्छी चीज लगी है। देखो एक और है मर्सिडीज में ऑडी का स्वाद, बहुत ही स्पोर्टी लुक लगती है गाड़ी की, ये चेक करो पूरा मिरर पीछे आ गया, और काफी बड़ा सनरूफ दिया हुआ है इन्होंने, तो इस टाइप की लगती है सनरूफ खोल के कुछ गाड़ी, साइड से एक बार ही दिखा देता हूँ आपको, ये है कुछ लुक साइड का, काफ़ी लंबी है ये, देख रहे हो क्या चीज़ लग रही है, और ऊपर से दिखाता हूँ गाड़ी कैसी लगती है, ये चेक करो काफ़ी स्पेस है, 5'9" 5'10" मेरी भी हाइट है, तो ये देखो ये नहीं टच हो रहा टर्बन, और मेरे जो पाजी हैं वो भी, उनकी भी हाइट है तो उनकी भी टर्बन नहीं टच होती, देखो मैं बीच में बैठ के दिखा दूँ, लो थोड़ी सी बीच में बैठा हूँ फिर भी अभी टर्बन में स्पेस है, ये देखो अभी भी स्पेस है, आओ दिखाओ मैं एक बार दिखा दूँ इनको, ये गाइस मैं गाड़ी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हूँ, ये देखो अभी भी टर्बन में फ़र्क है, ये देखो देख रहे हो अभी भी, मैं इधर आऊँगा तो और स्पेस हो जाएगा, ये देखो यहाँ बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में, अभी भी देखो अब देखो स्पेस काफ़ी स्पेस दिया हुआ कि सरदार बंदा आराम से बैठ सकता है, स्पेस तो कम है क्योंकि ये कूपे शेप दी हुई है इसकी गाड़ी की, पीछे का ना ये देखो कूपे शेप दी हुई है, तो इसलिए बाकी बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कौन सा बैठना है पीछे, हमने तो आगे ही बैठना है, ये देखो यहाँ पे भी लाइट्स दी हुई है पूरी, यहाँ पे लाइट चलती है S-Class जैसे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी हुई है, और यहाँ पे भी चार्जर के लिए हमें दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर इसको ओपन कर दो तो ये USB के लिए साइड्स में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, और ये कंट्रोल करने के लिए, स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, ये मीडिया आपका ब्लूटूथ, ये रेडियो के लिए, और यहाँ से कॉल आप सीधी पिक कर सकते हो, और यहाँ पे मेन चीज़ स्पोर्ट्स मोड, इको और मैनुअल।
ये चेक करो, ऐसा आ गया स्पोर्ट्स मोड है ये एम। यहाँ से गाड़ी चलती है मैनुअल और ये हमें पैनल शिफ्टर दिए हुए हैं, यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते गियर। और ये हो गया इको जिस पे मैं गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ पे फ्यूल भी बचता है और काफी मतलब एवरेज बढ़िया देती है गाड़ी। मीटर है, स्पीडोमीटर है, ये डीजल के लिए है और ये हमारी गाड़ी हीट कितनी हो रही है और ये आरपीएम है। ये कुछ स्क्रीन है और ये हमारी सीट्स को एडजस्ट करने के लिए और सनरूफ के लिए यहाँ पे दिया हुआ, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। एक मिनट भाई, ये हमारा सनरूफ बंद हो गया और ऊपर लगी हुई है 1K47। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ मेन इसके अंदर चीज, इसकी जो हैंड ब्रेक है वो कहाँ पे दी गई है, ये देखो ये रही हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड ब्रेक है। इसको एक बारी क्लिक करूंगा, ब्रेक को दबाना पड़ेगा, एक बारी क्लिक करा यहाँ से हैंड ब्रेक हट जाएगी, यहाँ से अनलॉक होती है गाड़ी, यहाँ से लॉक होती है, बूट के लिए दिया हुआ है। ये देखो क्लिक करूंगा तो गाड़ी हमारी बंद हो गई और यहाँ से हम ओपन करते हैं तो ये गाड़ी यहाँ से ओपन हो जाती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपको स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी होंगी तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको गाड़ी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू। ये है नाइट का व्यू, जो रात को गाड़ी चलती है तो ऐसा कुछ इंटीरियर शो होता है और पीछे भी देखिए।